तो देखो अभी विंटर का टाइम आ चुका है, तो आज मैंने एक शू लेके आया हूँ विदाउट लेस वाली, जो थंबनेल देख के शायद पता चल गया होगा तुम लोगों को। तो मैं इसे ओपन करता हूँ और कौन सा कंपनी का शू है देख सकते हो, आशियन कंपनी का शू है, बिरमदर सेवा इसका ब्रांड एम्बेसडर है और यहाँ पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, काफी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, दिल्ली कैपिटल शायद लिखा हुआ है यहाँ पर, मुझे ठीक से पता नहीं कोलैबोरेशन किया है कि नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है दिल्ली कैपिटल्स की जो लोगो है यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तुम लोग भी देख सकते हो। और इसका डिटेल्स मैं पहले तुम लोगों को बता देता हूँ, देखो यहाँ पर पीछे डिटेल्स है, लेकिन इसका जो बॉक्स है ना उतना अच्छा नहीं है, डिलीवर होने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गया है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो आशियन लिखा हुआ है और इसका जो साइज है UK 8, इस बार मैंने 8 क्यों मंगाया जानते हो, तो इस टाइप का जो विंटर का जो शू है ना थोड़ा सा छोटा पहनना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, तो देखता हूँ यहाँ पर ठीक होता है कि नहीं, मेरा राय सही है कि नहीं, मैं पहन के देखूंगा तो तब पता चल जाएगा एंड तुम लोगों को बता दूंगा छोटा साइज मंगाना चाहिए या ठीक ठाक तुम्हारी पैर का हिसाब से साइज मंगाना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है UK 8 और इसका जो यहाँ पर MRP बहुत ज्यादा लिखा हुआ है देख सकते हो, यहाँ पर 1299 रुपी है, लेकिन इसका आधा भी तुम्हें पे करना नहीं पड़ेगा, बहुत ही कम प्राइस में तुम लोगों को मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो वहां पर जाके चेकआउट जरूर कर लेना अभी कितना इसका MRP है, और इसका आर्टिकल नंबर भी देख सकते हो, मॉडल नंबर भी देख सकते हो, दोनों का नंबर जो है सेम है, बहुत ही बड़ा है, तुम लोग देख लो। तो चलो अब मैं इसे ओपन करता हूँ, तो देखो यहाँ पर ओपन करने के साथ साथ यहाँ पर एक पेपर मिल जाता है जहां पर हर जगह पर आशियान लिखा हुआ है लोगो देखने को मिल जाता है और यहाँ पर सेवा की एक सिग्नेचर देखने को मिल जाता है, जो ब्रांडर सेवक इसका ब्रांड एम्बेसडर है। तो मैं इसे ओपन करने के साथ साथ यहाँ पर देख सकते हो आशियान की तरफ से एक थैंक यू कार्ड मिल जाता है जहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर रेटिंग देख सकते हो कितना सब कुछ देख सकते हो तुम लोग यहाँ पर देखो, तो काफी अच्छा बात है, इस टाइप का छोटा छोटा सीज देता है ना तो काफी खुशियाँ मिलता है एक्चुअली। तो इसे मैं कर देता हूँ साइड में, तो आप शू देख सकते हो, शू देखो मैंने इस शू को मंगाया नेवी ब्लू कलर में, तो देख सकते हो दोनों भाई क्या ही बताओ, हाथ में पकड़ने पर फील ही नहीं हो रहा है मैंने कोई शू पकड़ा हूँ, इतना ज्यादा लाइट वेट है, फिर भी क्या ही बताओ, रुको इसका बॉक्स को साइड में कर देता हूँ मैं, तो देख सकते हो ये रहा दोनों शू, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, और भी लाइट वेट कर देता हूँ, देखो इसका अंदर एक पेपर रहता है, इस टाइप का पेपर रहता है, इसका जो शू का जो शेप है ना शेप मेंटेन रखने के लिए इस टाइप का पेपर का यूज किया जाता है, तो काफी अच्छा बात है, इसका भी निकाल लेता हूँ रुको जरा। और यहाँ पर एक टैग देखने को मिल जाता है आशियान की तरफ से और यहाँ पर काफी कुछ लिखा हुआ है, तो देखो ये दोनों जो शू है ना तुम पैर में पहनने की बात फील ही नहीं होगा तुम शू पहने हो कि नहीं, तो काफी ज्यादा लाइट वेट शू है, और शू के बारे में तो जरूर बताऊंगा लेकिन तुम लोगों से थोड़ी सी बात करना है, शू इसलिए मैंने रख दिया। देखो अभी जो विंटर का टाइम आ चुका है तो अभी ना विदाउट लेस वाली शू काफी ज्यादा चलने वाला है और बहुत लोग ज्यादातर इसे ही प्रेफर करता है विंटर में पहनने के लिए, तो ये एक्चुअली पैर में पहनना भी ईजी होता है, खोलना भी ईजी होता है, तो काफी ज्यादा अच्छा होता है विंटर में पहनने के लिए। तो मैं सोच रहा था इस बार ज्यादा से ज्यादा विदाउट लेस वाली शू अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करो, तुम लोग क्या बोलते हो मुझे कमेंट में जरूर बता देना, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ तो जरूर कमेंट करना, और इस टाइप की शू की वीडियो देखना तुम लोगों को कैसा लगता है, ऐसा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। तो चलो अभी शू का बारे में तुम लोगों को बता देता हूँ, तो ये जो शू है मेरा हाथ में देख सकते हो एशियन की शू है और इसका जो कलर देख सकते हो नेवी ब्लू और यहाँ पर व्हाइट कलर में मैंने इसे बाय किया, इसका बहुत सारा कलर भी है तो तुम लोग देख सकते हो वहाँ पर कलर ऑप्शन बहुत सारे है। इसका जो फैब्रिक देख सकते हो यहाँ पर नीटेड फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर काफी अच्छा एक पैटर्न्स देखने को मिल जाता है, यहाँ पर डॉट डॉट सी एक होल्स देखने को मिल जाता है, इससे क्या होगा तुम जब इसे पहनोगे ना तो काफी कंफर्टेबल फील होगा और काफी ब्रीदेबल भी होगा, वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा इस शू में, तो यहाँ पर देख सकते हो और सामने की ओर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाया गया और नीचे यहाँ पर इस पोजीशन में यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा सॉफ्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रांग मुझे लगा है शू, तो ठीक ठाक है और कंपनी ना अभी काफी ज्यादा ध्यान देता है, जो फ्रेजो शू है ना शू की फिनिशिंग देख सकते हो, फिनिशिंग काफी ज्यादा अच्छा है और यहाँ पर तो स्टेचिंग सिर्फ और सिर्फ पीछे देखने को मिल जाता है, पीछे एक छोटा सा पुल टैब देखने को मिल जाता है जो इस टाइप की शू पहनने में काफी ज्यादा हेल्प करता है, तो काफी अच्छा बात है इस टाइप की शू में पुल टैब देखने को मिल गया, और इसका जो डॉट डॉट सी पैटर्न है देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छा है, कॉलर कार्ड भी देख सकते हो, कॉलर कार्ड भी काफी अच्छा है, आशा करता हूँ मैं इसे पहनने की बात कंफर्टेबल फील
फील होगा। तो चलो मैं इसे पहन के भी ट्राई करूंगा। तो इसके कॉलर में जो रबर यूज किया है ना, तो देख सकते हो तुम लोग काफी अच्छा रबर यहाँ पर यूज किया गया है, जो उतना जल्द से जल्द तो खराब तो बिल्कुल नहीं होगा। और इसका जो टांग है ना, टांग का ऊपर देख सकते हो सिल्वर कलर से आशियान लिखा हुआ है एक्चुअली। और इसका जो देख सकते हो जो शोल है ना, शोल काफी ज्यादा अच्छा है। शोल का ऊपर यहाँ पर ईवा फैब्रिक यूज किया गया है। और शोल की पैटर्न्स देख सकते हो, यहाँ पर एक लाइन ही लाइन ही पैटर्न्स देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा कट लगाया गया, जिससे देखने में शूज जो है ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और पीछे देख सकते हो, पीछे थोड़ी सी प्लेन रखा गया जो देखने में काफी अच्छा है। पीछे की डिजाइन देख सकते हो, यहाँ पर बॉक्स बॉक्स बनाया हुआ एक डिजाइन है, और लाइन ही लाइन ही एक डिजाइन देखने को मिल जाता है। और इस शू का एक बात क्या है ना, यहाँ पर कहीं पर भी ब्रांडिंग देखने को नहीं मिलता है उतना जगह, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तुम्हें देखने को मिल जाता है टांग के ऊपर ब्रांडिंग, और यहाँ पर इनर सोल पर ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। मैं दिखाता हूँ, इनर सोल बाहर शायद नहीं निकलेगा, यहाँ पर मैं एक शॉर्ट दिखा दूंगा तुम लोगों को कौन सी इनर सोल यूज किया गया है। यहाँ पर एशियन लिखा हुआ है और मेमोरी फॉर्म टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, जो काफी ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पर इसका साइज लिखा हुआ है, मैंने मंगाया था 8, तो काफी ज्यादा अच्छा है। अंदर हाथ डाल के देख रहा था तो यहाँ पर ऑन मटेरियल का यूज किया गया, एक ही मटेरियल है, एक्स्ट्रा कोई फॉर्म फॉर्म यूज नहीं किया गया। तो ये जो मटेरियल है ना काफी सॉफ्ट है, तो पहनने की बात आशा करता हूँ काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा। तो आप मैं इसे पहन के भी ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कैसा है और कैसा लगता है, तुम लोग भी मुझे जरूर बताना। तो चलो मैं इसे पहनता हूँ। तो देखो शू पहनने की बात कंफर्टेबल तो फील हो रहा था, लेकिन इसका जो शू का जो यहाँ पर है ना ऊपर देख सकते हो, तो यहाँ पर मेरा जो पैर की उंगलियाँ है ना उतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। सच बताऊँ तो यहाँ पर उतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं लग रहा था मुझे। और पीछे ठीक ठाक पूरा कंफर्टेबल है, और इसका जो मेमोरी फॉर्म यूज़ किया गया है तो नीचे भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा था। और इसका सोल भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन पैर में पहनने की बात फील ही नहीं हो रहा था शू पहना हुआ, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट की वजह से प्रॉब्लम मुझे देखने को मिला है। जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कॉलर की साइज है ना, यहाँ पर मेरा पैर का हिसाब से ठीक से फिट नहीं हो रहा था। लेकिन ये सिर्फ शू की प्रॉब्लम नहीं है, मेरा पैर की भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा पैर ना उतना ज्यादा मोटा नहीं है, थोड़ी सी पतला, मेरा जो पैर है ना बहुत ही ज्यादा पतला है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा था। तुम्हारा पैर ठीक ठाक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एक्चुअली। देखो बहुत लोगों का पैर थोड़ी सी पतला है, तो उन लोगों के लिए मैं ये शू रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जिन लोगों का पैर ठीक ठाक है, थोड़ी सी मोटा है, तो उन लोग इस टाइप का शू को यूज कर सकते हो, तो काफी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर उंगली का ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पर उतना ज्यादा रिलैक्स फील नहीं हो रहा था मुझे। इसके अलावा शू काफी ज्यादा अच्छा है, तो तुम लोग डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना। और देखो इस टाइप की कॉन्टेंट देखना पसंद करते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। आज के लिए तो वीडियो इतना ही है, मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।